अभी अभी प्रभास सर की प्रोजेक्ट के मूवी से उनके एक पोस्टर को रिलीज किया गया है, तो चलो फिर बिना लेट करते हुए पोस्टर पर नजर डालते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बैक टू पॉइंट, आते हैं प्रोजेक्ट के पे। अगर तुम लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन सर का भी एक पोस्टर को रिलीज किया गया था। उस पोस्टर को देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया था, और आई थिंक मेरे को लगता है कि जो भी आज प्रभास सर के बर्थडे पर जो ये प्रोजेक्ट के मेकर्स ने जो भी रिलीज किया है, इसे देखने के बाद जो फैंस लोग हैं उनका ये मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्म का ना 30-40% शूट लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था शायद ये लोग प्रभास सर के लुक को भी रिलीज करेंगे, बट क्या हो रहा है यार। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कोई बड़े ओकेजन पे प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट करेंगे, बट आज से बड़ा ओकेजन नहीं हो सकता था प्रभास सर के लिए और प्रभास सर के फैंस लोग के लिए, क्योंकि आज प्रभास सर के फैंस लोग काफी मतलब सुबह से वेट कर रहे थे कि आज उनके फिल्मों को लेके कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा। कई छोटी छोटी चीजें देख के ना फैंस लोग खुश हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ना अमिताभ बच्चन सर के पोस्टर पर नजर डालते हैं। तुम लोग के स्क्रीन पर आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो, पोस्टर में कुछ है नहीं ज्यादा बताने वाला। ऊपर इसका टैगलाइन लिखा हुआ, लीजेंड्स आर इमॉर्टल। उसके बाद अमिताभ बच्चन सर का हाथ तुम सबको देखने को मिल रहा है। उस हाथ में ना जो बॉक्सिंग वाले जो लोग कपड़े नहीं बांधते वो बांधे हुए हैं, जस्ट नॉर्मल कलर टोन थोड़ा अच्छा रखा गया है। पीछे जो भी बादल दिखाया गया है, बादल से रोशनी आ रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। इस पोस्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन सर ना कोई चीज को पंच कर रहा है। थोड़ा सा और तुम लोग जूम करके इस पोस्टर को देखो तो कुछ ना बुरादे टाइप से ऐसा ना उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद इनके हाथ में काफी ज्यादा पावर है, कोई लकड़ी उकड़ी को तोड़ रहे होंगे। बट इसके अलावा मैं कुछ इस पोस्टर को लेकर बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने वाला, सिंपल से बात है। अब आते हैं प्रभास सर के पोस्टर पे। प्रभास सर के पोस्टर देखो, थोड़ा सा अंदर एक्साइटमेंट तो बढ़ रही है। इसका टैगलाइन देखो, टैगलाइन क्या ही जबरदस्त लिखा गया है, हीरोज आर नॉट बॉर्न दे राइज, हीरोज पैदा नहीं लेते हैं, बनते हैं। इस पोस्टर में भी प्रभास सर के जस्ट हाथ को दिखाया गया, बट ये हाथ में ना प्रभास सर ना कुछ सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, ये फिल्म ना एक सुपर हीरो वाली फिल्म होने वाली है। ये फिल्म का बजट 500 करोड़ प्लस होने वाली है, और ये फिल्म में ना एक आध हॉलीवुड एक्टर को भी कास्ट करने के मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं इसके अगले पार्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट के नाग अश्विन सर की ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ नाग अश्विन सर प्लान कर रहे हैं एक यूनिवर्स क्रिएट करने का। मीन्स इनके यूनिवर्स में एक तो पहले स्टार अपने प्रभास सर होने वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तुम्हें एक्टर देखने को मिल जाएंगे एज ए सुपर हीरो। और ये काफी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया से इस टाइप से फिल्में बन रही हैं। इससे पहले हम लोग हॉलीवुड में देखते थे कि हॉलीवुड के कैसे सुपर हीरो वाली फिल्में आती है, मल्टीवर्स यूनिवर्स वो लोग क्रिएट करते हैं, फिर उन सब चीजों को देखने का एक अलग ही मजा होता है। बट ये चीजें अब इंडिया में भी होने वाली है, और ये क्रिएट करने वाले हैं अपने नाग अश्विन सर। सो अब थोड़ा पोस्टर को जूम करके देखते हैं। प्रभास सर ऐसा मुट्ठी बांधे हुए हैं, सूट वूट पहने हुए हैं, और इनके भी ये हाथ से लग रहा है कि इन्होंने भी कोई चीज को पंच किया हुआ, क्योंकि इनके हाथ के आसपास ना कुछ चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो दीवार वाल पे मारे हैं, दीवार टूट गया, उसके सारे डस्ट ये सब उड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और तुम लोग बारीकी से देखो, लाइट भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सो ये चीज एक्साइटमेंट बढ़ा रही है, शायद उनके अंदर कुछ और भी पावर होगा। जस्ट उनके जहां हम लोग घड़ी बांधते हैं ना वो जगह पे देखो, ऐसा लग रहा है कि शायद ये आयरन मैन टाइप से नहीं होता है कि ऐसा हाथ में दे के कुछ वो इंस्ट्रक्शन देता है तो वो फिर उनका जो सूट होता है उस टाइप से वो चीजें करता है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये चीजें देख के। इसके अलावा पोस्टर में कुछ ज्यादा है भी नहीं। प्रभास सर की अगर सूट की बात करें, सूट का कलर मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, ब्लैक और येलो इसका भाई कॉम्बिनेशन रखा गया। बट इसका टैगलाइन मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है, हीरोज आर नॉट बॉर्न दे राइज। आने वाला टाइम में और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि प्रभास सर का लुक कैसा है। बट हाँ, इस फिल्म में 110% प्रभास सर एक सुपर हीरो बने। बट लास्टली अपना ओपिनियन तुम लोग जरूर कमेंट करके बताना कि तुम लोग इस पर क्या कहना है। सो चलो मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।